अभी आपको बताएं कि वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। वो लोग जो कमजोर तबका, कम आमदन वाला तबका, पिसा हुआ तबका, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जिनको खाने का मसला है, उनके ऊपर उनको कवरेज किया है। 70 लाख खानदान एहसास कफालत में मौजूद हैं, 70 लाख बच्चे, उनको स्टेपेंड स्कूल जाने के लिए 1503 हजार रुपया जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है। जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर 50 हजार स्कॉलरशिप सालाना जो है वो उनको दी जा रही है, तकरीबन 50 अरब रुपया उन स्कॉलरशिप पे खर्च किया जा रहा है। दुनिया के 3400 प्रोग्रामों में वजीर आजम इमरान खान का, जो वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के 3400 प्रोग्रामों में चौथे नंबर के ऊपर हमारा एहसास प्रोग्राम आया है, ये हमारे लिए एहसास की बात है। तीसरी बात, पूरी दुनिया में कोविड आया, पूरी दुनिया में कोविड के असरात आए हैं, लेकिन हमें तो कहते थे जनाब लॉकडाउन कर दो, बंदा मर गया FIR इमरान खान के ऊपर खर्च होगी। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने मजदूर को भूखा नहीं मरने दूंगा, मैं अपने फैक्ट्रियां बंद नहीं होने दूंगा, मैं लोगों का रोजगार बंद नहीं होने दूंगा, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। पूरी दुनिया ने स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो किया। आज इकोनॉमिस्ट जो दुनिया का एक माना वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मिला।